मिसाल के तौर तो पर कोई नवाज नहीं पढ़ता आप ये समझते कि मजबूर है मुस्तहिक है उसको जरूर पहुंचना चाहिए तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि उससे इकरार करवाया जाए उससे दीन को समझाया भी जाए जब वो इकरार कर ले फिर ज़क़ात दे दें तो आप अपने फरीजे से फारग हो गए और इसी तरह से देखिए फासिक फाजर और बेदती को जकवात नहीं दी जा सकती इमाम बिबन तैमिया कहते हैं इंसान को चाहिए कि वह जकवात देने के लिए फकर मसाकिन और गारमीन में से मुस्तह लोगों को तलाश करे जो दीनदार और शरीयत के पाबंद हों जो बिदती ना हो फाजिर ना हो क्योंकि वो तो सजा का मुस्तक है जब तक कि वो दीन का पाबंद ना हो उसे और फिर ये कि उससे इमाम अबिन तैमिया कहते हैं कि ऐसे शख्स से दीन की पाबंदी का इकरार करवाना चाहिए लोग पूछते हैं कि क्या हम अपने मुलाजमों को जक़ात दे सकते हैं तो करीबी लोगों का पहला हक है इस बारे में जिन उलमा की रेजर्वेशन है कि ज़कात नहीं देनी चाहिए वो इस हवाले से है कि मुलाजमीन को ज़कात देने के बाद लोग एहसान जतलाते हैं और लोग तकलीफ देते हैं जिसकी वजह से ज़कात देने वाले पर वाल आ सकता है कि वो दे भी और उल्टा नुकसान का बास हो तो ज़्यादा बेहतर है कि फिर दूसरों को दे दें लेकिन असला करीबी रिश्तेदार हों या मुलाजिम हों अगर वो हक रखते हैं तो पहले उन तक जरूर पहुंचानी चाहिए इसी तरह सेहतमंद कमाने कमाने के काबिल शख्स को जक़ात नहीं देनी चाहिए आ, दो आदमी हजतल के मौके पर नबी वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए आप सदका तकसीम कर रहे थे तो उन दोनों ने भी आपसे सवाल किया तो आपने उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देखा आपने देखा दोनों ताकतवर हैं तो आपने फरमाया अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे देता हूं मगर इसमें गनी ताक़तवर और कमाकर खा सकने वाले के लिए कोई हक नहीं है उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है इसी तरह से मस्जिद की तामीर जक़ात के सरमाए से नहीं की जा सकती अलबत्त दीनी इदारों की तामीर हो सकती है इसी तरह से वालदान को जकवात नहीं दी जा सकती क्योंकि वालदान की खिदमत और वालदान के लिए माल लगाना औलाद पर वैसे ही फ़र्ज़ है इसी तरह से औलाद को जक़त नहीं दी जा सकती क्योंकि कफालत की जिम्मेदारी वालदान पर है इसी तरह से बीवी पर बीवी को ज़क़ात नहीं दी जा सकती उसका नानो नफका शोहर पर वाजिब है फ़क़ीर हो मिस्कीन हो बीवी बीवी मालदार है बीवी उसको ज़क़ात दे सकती है इसी तरह से रिफाही कामों के लिए ज़क़ात नहीं दी जा सकती जैसे सड़कें नहीं बनाई जा सकती पुल वगैरह नहीं बनाए जा सकते इसी तरह हस्पताल वगैरह नहीं बनाए जा सकते हाँ पेशेंट्स के लिए जक़ात हो सकती है यानी बीमार लोग ग़रीब हैं गरीब लोगों को ज़कात दी जा सकती है